मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 में तीसरा चैप्टर लेते हैं गणित विषय में वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले वर्ग संख्या किसे कहते हैं, वर्ग संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से सुने। किसी संख्या को स्वयं से दो बार गुणा करना ही उस संख्या का वर्ग कहलाता। किसी संख्या को, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग 5 लेते हैं, तो यहाँ पे 5 को दो बार गुणा करता तो यानी कि 5 की घात 2 और 5 गुना 5 करो 25, तो ये 5 का वर्ग हो गया। इसी तरह से जैसे 7 का लेते हैं तो 7 का स्क्वायर, 7 का वर्ग निकालना हो तो नीचे 7 का स्क्वायर लिखेंगे और इसके आगे 7 गुना 7 लगाएंगे। दो बार गुणा करना है उसी संख्या को स्वयं से, 49 49। इसी तरह से 10 का लेना है, 10 का वर्ग तो 10 का स्क्वायर 10 गुणा 10 यानी कि 100 होगा। ये इसका वर्ग कहलाता है यानी कि स्क्वायर। तो किसी संख्या का वर्ग निकालना बहुत ही आसान है, उसी संख्या को दो बार गुणा करना स्वयं से। इसी तरह से वर्गमूल आता है, वर्गमूल वर्ग संख्या का विलोम होता है, इसका उल्टा। सबसे पहले वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह इस तरह से होते हैं, इसको हम अंडर रूट बोलते हैं। इसके अंदर संख्या डाल दीजिए, जैसे हमने डाला इसके अंदर 100, तो यहां पे हमें ये समझ आएगा 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 100 का वर्गमूल, इसके लिए हमें क्या करना है, 100 लिखना पड़ेगा और इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड आपने छोटी क्लास में सीख लिया था, 2 का भाग देंगे 100 में तो 50 बार, फिर 50 में पुनः 2 का जा रहा है तो 2 का ही देंगे 25, फिर 25 में 2 का तो जाता नहीं है, 3 का भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता, 5 का देंगे हम 5 बार, फिर 5 का भाग दिया। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंडों के दो दो के समूह बनाने होते हैं। यदि दो दो के समूह है, दो दो के जोड़े नहीं बनते हैं तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। उसके बाद में यहां देखते हैं, अब 100 का यदि हमें वर्गमूल निकालना तो अंडर रूट 100 लिखेंगे पहले, तो उसके बाद में दो दो के जोड़े देखना है तो एक जोड़ा तो 2 का बना है तो 2 लिखो यहाँ, गुणा दूसरा 5 5 का एक जोड़ा बना है तो गुणा 5 यानी कि कितना आ गया 10। अब ये प्रश्न आपका सही हुआ है या गलत, इसकी जांच करने के लिए आपको वापिस इसका वर्ग निकालना है, 10 का वर्ग निकाल के चेक कर सकते हैं। 10 का वर्ग 10 गुणा 10 करेंगे और 100 आ गया जिसका आपने वर्गमूल निकालता है, इसका मतलब ये सही है। इसी तरह से बच्चों एक बात का और ध्यान रखना है, हमेशा याद रखिए समसंख्या का वर्ग निकालना हो तो हमेशा उसका समसंख्या आएगा। यदि किसी समसंख्या का वर्ग निकाल रहे हो आप तो उसका वर्ग हमेशा समसंख्या ही आएगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम कोई भी समसंख्या लेते हैं, जैसे हमने 8 लिया तो 8 का वर्ग निकालना है, देखना समसंख्या आएगा, 8 गुना 8 लिखोगे 64 64। 8 एक समसंख्या है तो इसका वर्ग भी समसंख्या है। इसी तरह से हमने 6 का लिया, 6 का वर्ग 6 गुना 6 36 36, ये भी एक समसंख्या है। इसी तरह से 12 एक समसंख्या है, 12 का वर्ग निकालेंगे तो 12 × 12 144, ये भी समसंख्या। तो शायद मेरे हिसाब से ये याद रखने की बात याद हो भी जाएगा, आसान सा है कि किसी समसंख्या का वर्ग निकालेंगे तो समसंख्या ही आएगा। इसी तरह से विषम संख्या का वर्ग निकालोगे, विषम संख्या का वर्ग तो वो भी हमेशा विषम ही आएगा, विषम संख्या ही आएगा। उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं 5 का वर्ग, 5 एक विषम संख्या, इसका वर्ग निकालेंगे तो 5 गुना 5 लिखेंगे यहाँ पे
और 25 के भी एक विषम संख्या है। 5 एक विषम संख्या है, इसका वर्ग देखो विषम आया है। इसी तरह से 7 का निकालेंगे, 7 का वर्ग 7 × 7 यानी कि 49। इसी तरह से मान लो हमें ये निकालना है 25 का निकालना है, 25 एक विषम संख्या है, 25 तो 25 × 25 625, ये भी एक विषम। तो ये बात याद रखना है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम आता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम आता है। इसी तरह से आगे देखते हैं हम, हाँ तो आगे देखते हैं हम वर्ग संख्या का इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई अंक ये आपको कैसे निकालना है ये ध्यान रखें। जैसे आपको 13 के वर्ग का इकाई अंक पूछ ले, 25 के वर्ग का इकाई अंक, ध्यान से देखें 13 है इसके वर्ग यानी स्क्वायर निकालना है इसका, और फिर इसका इकाई अंक क्या होगा वो। तो आपको ज्यादा इसको गंभीर लेने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल तरीके से देखें 13 में इकाई अंक यहां क्या है 3, 3 का स्क्वायर करके देख लें तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो इसका इकाई अंक 9 होगा। इसी तरह से यहाँ पे इकाई अंक 25 में 5 है तो 5 का स्क्वायर करके देखें, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 का इकाई अंक यहाँ पे लिखना है 5। इसी तरह से आप लोगों को मान लो 27 के वर्ग का इकाई अंक पूछ ले, 27 के वर्ग का इकाई अंक, तो आपको केवल ये 27 का इकाई अंक देखना है 7 ही, और 7 का स्क्वायर निकालेंगे 7 × 7 49 49 का इकाई अंक ही लिखना है यहाँ पे केवल 9। इसी तरह से मान लो आपने निकाला 1000 के वर्ग का इकाई अंक, बात ध्यान रखना यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, इकाई अंक यदि 0 है तो उसका वर्ग निकालोगे तो भी हमारे पास उसका 0 रहेगा इकाई अंक। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब आगे देखते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है हमारे, ध्यान से सुना, बिना संक्रिया किए, बिना आपको कोई क्रिया नहीं करनी है, यानी कि आपको ओरल इसका उत्तर बताना है, बिना संक्रिया किए बिना निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो एक यह एक श्रृंखला होती है, श्रेणी होती है, जैसे 1, 3, 5, 7 मैंने यहां पे क्या लिया है, सभी विषम संख्या लिए शुरू से लेकर प्रथम 4 विषम संख्या लिए 1, 3, 5, 7 प्रथम 4 विषम संख्या, और देखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 ध्यान से देखें बच्चे अच्छी तरह से, इसमें हम लोग एक तरह से जादू की तरह फट रहे हैं। इसी तरह से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये संख्या। अब आप लोग इनका वर्ग सेकंडों में बता सकते हैं, 1 सेकंड में इसका जवाब आएगा, अभी देखना ध्यान से। लेकिन इसके लिए शर्त क्या होती है वो सुन लें अच्छी तरह से, ये सभी संख्याएं विषम होनी चाहिए और प्रथम विषम संख्या स्टार्ट होगी 1 से स्टार्ट होगी सब, ये नहीं कि इसमें से 3 से उठा लिया 3, 5, 7 ये बताओ सर, तो ये नियम लागू नहीं होगा इसमें। आपको सर्वप्रथम 1 से स्टार्ट करना है 1, 3, 5 अब इसका योग मैं आपको फटाफट सेकंडों में बता रहा हूं। तो सबसे पहले 1, 3, 5, 7 कितनी बार कितनी संख्या है इसमें, 1, 2, 3, 4 संख्या है, तो यहां 4 का उत्तर आएगा, 4 का स्क्वायर जोड़ के चेक कर सकते हो, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 में 3 जोड़ो 15, 15 × 1 = 16 आया समझ में। आगे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पे प्रथम
छह विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 विषम संख्या है, तो आपको केवल यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिखना है, और 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 इन सब का योग करोगे 36 ये। इसी तरह से इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 9 विषम संख्या है। ये क्रम से होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। 9 विषम संख्या है तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, समझ में आया। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं, जैसे 1 + 3 + 5, यहाँ पे देखिए हमने 3 संख्या ली है, 1 2 3 संख्या, तो 5 3 8 1 9 होगा इनका योग, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो आशा करता हूँ बच्चों ये आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखो इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो देखना अच्छे से। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 64 को, 64 को 8 विषम संख्याओं, 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 64 का आपको वर्गमूल आना चाहिए, 64 का वर्गमूल 8 होता है, तभी 8 ही पूछेगा वो। ये नहीं कि 64 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो, ये नहीं चलेगा। 64 को आप कहोगे 10 विषम संख्याओं के योग, नहीं चलेगा। 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है आपको। यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 15 लगातार 8 विषम संख्याएं लिख देनी है। जोड़ना किसी को नहीं है, बस केवल आपको सीखना है, संक्रिया नहीं करनी है, जोड़ना नहीं है, और इनके बीच में प्लस लगा दीजिए अपने आप ही। मैंने कैसे किया आप भी ऐसे करेंगे। मैंने ये देखा 64 था, ये 64, इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि 64 की संख्या वर्ग है, 8 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल 8 होगा। तो मैंने यहाँ लगातार शुरू से लेके प्रथम विषम संख्या से लेके 8 विषम संख्या लिख दी, उनको योग के रूप में ले लिया है। देखो पहली विषम संख्या 1 होती है, 1 के बाद में 3 आती है, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 15। गिने कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, और 8 का वर्ग होता है 64। तो यहाँ पे इसका योग कितना हो गया, 64। इसी तरह से एक और लेते हैं, जैसे 36 है, 36, तो 36 का वर्गमूल निकालोगे तो 6 ही होता है, तो यहाँ पे आपको 6 ही पूछेगा। 36 को 6 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो। यहां पे देखते हैं, आप सब बच्चों को बताया कि 36 का यदि वर्गमूल निकालते हैं, या 36 किस संख्या का वर्ग है वो उसका वर्गमूल हो जाएगा, 6 का है, तो यहां पे 6 बार लिखेंगे, 1 + 3, बीच में प्लस लगाना है, +5 + 7 + 9 + 11, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 विषम संख्या लिख दिए लगातार शुरू की, और इनका योग हमेशा 36 ही आएगा। कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 होगी। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ तो बच्चों आज का होमवर्क नोट कर ले, आपको ये होमवर्क फिर नोटबुक में हल करना है।